हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले मैंने द प्रोडिजी मूवी नाम का एक ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था, जहां पर मैंने इस मूवी के इंडिया में रिलीज होने पर डाउट किया था। और देखो, मेरा डाउट बिल्कुल सही था। यह मूवी इंडिया में तो रिलीज नहीं हुई, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस फिल्म का जॉनरा है थ्रिलर और हॉरर। इस फिल्म का कंसेप्ट थोड़ा अलग है और शायद ये मूवी हर किसी को पसंद ना आए, पर पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। IMDb रेटिंग के बारे में तो बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है और मुझे IMDb रेटिंग्स पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन आप सभी के लिए डिफरेंट स्कोर्स और रेटिंग्स मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ। खैर, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निकोलस मैकार्थी ने। इस फिल्म का कंसेप्ट री इनकार्नेशन पर है, और री इनकार्नेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि एक शरीर की आत्मा जब किसी और के शरीर में फिर से जन्म लेती है, इसको आप रीबर्थ भी कह सकते हैं। इस कंसेप्ट में साइंस और कई लोग मानते हैं कि एक इंसान की अधूरी इच्छा के कारण से ऐसा होता है, और उस व्यक्ति की आत्मा के नए शरीर में जन्म लेने के बाद भी उसको अपने पुराने जन्म की लाइफ में याद रहती है। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो होगा वो काफी डिस्टर्बिंग है। इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्लॉट बहुत सिंपल सा है और इसमें कोई भी थ्योरी जैसे देने वाली चीज नहीं है। मूवी बस मात्र 1 या 1.25 घंटे की है, और जैसा कि मैंने कहा, यह टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है जिसमें आपको भूत और आत्मा दिखेंगी, पर जो इंटेंस माहौल है वो काफी बढ़िया है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है ओहायो में एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि एक घर से भाग जाती है जहां पर उसको बंदी बनाकर रखा गया था। इस लेडी का नाम है मार्गरेट। अब मार्गरेट भागकर मेन रोड की तरफ आती है और एक औरत की कार के सामने आके उसको रोकती है, ये कहते हुए कि उसको मदद चाहिए। अब जैसे ही ये औरत मार्गरेट की तरफ देखती है तो मार्गरेट चिल्लाते हुए अपना हाथ दिखाती है कि ही टुक माय हैंड। अब यहाँ पर ही कौन है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। मीनवाइल पेंसिल्वेनिया में एक कपल रहता है जिनका नाम है जॉन और सैरा, जो कि हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सैरा प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा निर्धारित समय से पहले ही पैदा होने वाला था। इनके साथ एक डॉग भी रहता है जो कि इन दोनों को बहुत प्यारा था। अब डॉग भी बेबी के आने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब जैसे ही सैरा लेबर पेन में जाती है, ओहायो के एक घर में सीन आता है जहां पर हमें दिखाई देता है कि एक सीरियल किलर रहता है और उसका नाम है एडवर्ड, और यहीं पर मार्गरेट को बंदी बनाकर रखा गया था। यहां पर मार्गरेट ने किसी की बात की थी जिसने उसका हाथ काट लिया था, तो वो कोई और नहीं बल्कि यही सीरियल किलर एडवर्ड था। अब एडवर्ड नीचे वाले रूम में जाता है जहां पर मार्गरेट को रखा गया था, और वहां पर देखने पर उसको वहां मार्गरेट नजर नहीं आती और वो गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है। पर उसके घर के बाहर थी पुलिस जिसको मार्गरेट ने भेजा था। एडवर्ड न्यूड ही बाहर आ जाता है और उसने अपने हाथ के पीछे कुछ छुपा कर रखा हुआ था। पुलिस ये समझती है कि उसने कुछ वेपन छुपा कर रखा है, और बस पुलिस एडवर्ड को शूट कर देती है, और हम सभी को दिखाई देता है एक हाथ जो कि मार्गरेट का था। और उसी वक्त वहां पर हॉस्पिटल में पेंसिल्वेनिया में पैदा होता है सैरा का बेटा माइल्स, जिसके चेस्ट पर वही गोलियों के निशान थे जो एडवर्ड पर थे। अब वक्त बीतता रहता है और सैरा जॉन को अपने बेटे माइल्स के बारे में एक के बाद एक चौंका देने वाली बातें और काबिलियत नजर आती है, जैसे कि बड़े होते होते वो कभी रोता ही नहीं है चाहे कुछ भी हो। वो काफी ज्यादा ही शांत रहता है बड़े होते वक्त। कुछ महीनों का होने के बावजूद भी वो अपनी मॉम को मॉम बोलना शुरू कर देता है, और ये काफी अनसेटलिंग बिहेवियर भी शो करता है, जैसे कि स्पाइडर को मारना, हंगेरियन लैंग्वेज में बोलना, और एक बहुत ही खास बात कि माइल्स को हेट्रोक्रोमिया था, यानी कि दोनों आंखों का रंग अलग अलग होना। अब माइल्स 8 साल का हो जाता है, और एक दिन सैरा और जॉन माइल्स को अपनी बेबी सिटर जोई के साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माइल्स उसको अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने को कहता है, और जैसे ही जो काउंट करने लगती है तो माइल्स उसको बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगता है। अब वो फिर से काउंट करती है और माइल्स इसी बीच बेसमेंट का बल्ब निकाल लेता है ताकि वहां पर अंधेरा हो जाए, और वहां पर जाकर छुप जाता है। लेकिन साथ में एक डिस्टर्बिंग काम वो ये करता है कि वो एक कप को तोड़कर बेसमेंट की सीढ़ियों पर रख देता है। अब जैसे ही जो माइल्स को ढूंढने नीचे आती है तो उसके पाँव में वो कांच लग जाता है। सैरा अब माइल्स से इस बारे में पूछती है, लेकिन माइल्स को बस गेम्स खेलना याद था और कुछ भी नहीं। माइल्स रोने लगता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है।
अब उस रात माइल्स सो रहा होता है तो सैरा उसके रूम में जाती है और माइल्स को कुछ गलत शब्द कहते हुए सुनती है और साथ में हंगेरियन लैंग्वेज भी। माइल्स अचानक उठ जाता है और सैरा माइल्स को ये कहती है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था, लेकिन माइल्स ये कहता है कि वो एक अच्छा सपना था। अब एक और किस्सा स्कूल में होता है जहाँ पर माइल्स को एक लड़की के साथ में अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना था, लेकिन उस लड़की के साथ में किसी और लड़के ने ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली थी। अब इस बात से गुस्सा होकर माइल्स सीधा एक रेंच लेकर आता है और उस लड़के को उससे मारने लगता है, जिसके बाद सैरा माइल्स को एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाती है। और ले भी क्यों ना जाए, अगर सैरा की जगह कोई और भी होता तो यही करता, क्योंकि 8 साल के बच्चे का ऐसा खतरनाक बिहेवियर एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। माइल्स को सैरा की कलीग डॉक्टर एलेन स्ट्रेसर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर शुरुआत में काफी नॉर्मल थी और सब कुछ उसको ओके लगता है, और डॉक्टर घर में माइल्स पर मारपीट होने की बात का हिंट देती है, और इस बात पर जॉन सैरा की लड़ाई हो जाती है क्योंकि जॉन के पिता ने उसको बचपन में काफी मारा था, पर जॉन एक अच्छा पिता था। अब एक रात सैरा माइल्स की हंगेरियन लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर लेती है एक टेप में, ये सोचकर कि शायद इससे डॉक्टर्स को कुछ हेल्प मिलेगी। इस टेप को वो दे देती है डॉक्टर को, और इस टेप को सुनने के बाद में कुछ अजीब लगता है और वो डॉक्टर अपने एक जानने वाले इंसान आर्थर को बुलाती है। इस डिस्कशन में सैरा भी थी, और अब यहाँ पर सैरा को आर्थर बताता है कि ये भाषा बहुत कम लोग जानते हैं आज के समय, लेकिन सैरा कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर आर्थर ये कहता है कि इन शब्दों का मतलब है किलिंग और किसी औरत को गलत चीजों के बारे में बोलने से रिलेटेड। अब सैरा इस बात को तो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाई थी कि तभी आर्थर एक और बॉम्ब सैरा पर गिरा देता है एक शब्द बोलकर, रीइंकार्नेशन। जी हाँ, आर्थर कहता है कि वो एक बार इंडिया गया था जहाँ पर एक पैडमैन नाम का एक व्यक्ति था जो कि अपना पिछला जन्म याद करता है, और किसी इंसान की रूह रीइंकार्नेट तब होती है जब उसका कुछ अधूरा काम रह जाता है पिछले जन्म में। आर्थर कहता है कि माइल्स के शरीर में कोई ऐसा आ गया है, और घबराने की बात ये नहीं थी बल्कि ये थी कि एक शरीर में दो सोल्स नहीं रह सकती, और इवेंचुअली कोई एक सोल दूसरी सोल पर भारी पड़ ही जाएगी और एक सोल को खत्म होना होगा। सैरा इन सब बातों को झुठला देती है, लेकिन डॉक्टर उसको रीइंकार्नेशन के केस से रिलेटेड एक सीडी देती है ताकि वो ये देख सके। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब भी किसी के साथ कोई अननेचुरल घटना घट जाती है तो इजीली इन बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है। खैर, अब सैरा घर आ जाती है और माइल्स एक बहुत ही अजीब सी टोन गाने लगता है जो कि सैरा ने उसको कभी भी नहीं सुनाई। माइल्स सैरा के साथ में एक आई स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करने को कहता है, और सैरा को माइल्स बहुत अलग तरीके से छूने लगता है जो कि सैरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सैरा माइल्स के बिहेवियर को ध्यान से नोटिस करने लगती है और उस सीडी को भी देखती है। जॉन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब मूवी के बीच में एक सीन आता है जहां पर माइल्स के अंदर सैरा को किसी और पर्सन की झलक दिखाई देती है, पर पास से देखने पर ऐसा कुछ भी सैरा को नजर नहीं आता। उसी रात माइल्स एक बड़ी सी सीजर को शार्प करते हुए नजर आता है, जिसका सीधा मतलब ये था कि कुछ गलत होने वाला था। अब अगले दिन अचानक से इनका डॉग गायब हो जाता है। जॉन और माइल्स उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, पर माइल्स अपने पिता से ये कहता है कि सबको एक दिन मरना है और आप भी मर जाओगे। जॉन इस बात से परेशान होकर सीधा माइल्स की तरफ देखता है, लेकिन माइल्स एक बात और कहता है कि आप भी मुझे मारोगे जैसे आपको आपके पिता ने मारा था। अब इन बातों से परेशान होकर जॉन सैरा से लड़ाई करने लगता है कि उसी ने माइल्स को ये सब कहा है। अब जॉन को पता लगता है कि माइल्स ने एक कैमरा उनके फोटो के पीछे लगाया हुआ है और वो उन दोनों पर नजर रखे हुए है। गुस्से में जॉन वहां से बाहर चला जाता है कुछ टाइम के लिए इन सब से दूर। अब उसी रात सैरा को माइल्स के रोने की आवाज आती है एक कोने से। वो उसको प्यार से अपनी तरफ बुलाती है, और जैसे ही वो भागकर उसकी तरफ आता है माइल्स की जगह एडवर्ड आके सैरा का गला दबाने लगता है, लेकिन ये एक सपना था। अब सैरा डरते हुए नींद से उठ जाती है, और तभी माइल्स उसके रूम में आता है और सैरा के साइड में आकर लेट जाता है, और सैरा को हग करते हुए ये पूछता है कि क्या सैरा उसे हमेशा प्यार करेगी चाहे वो कुछ भी करे, और सैरा अनकॉन्शियसली हाँ कर देती है। ये एक फिल्म का टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में अंत में बात होगी। अब सैरा नोटिस करती है कि पूरे घर में फ्लाइज आ गई हैं। वो बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ पर बहुत सारी फ्लाइज थी, और सैरा को एक कपबोर्ड दिखाई देता है जिसको कीलों की मदद से बंद किया हुआ था। पीछे से माइल्स भी आता है और सैरा डर जाती है। माइल्स सैरा को एक हथौड़ी देता है जिससे वो उन कीलों को बाहर निकाल सके। माइल्स रोने लगता है कि उसने ये नहीं किया है, और जब वो सो जाता है तो उसके अंदर कोई और आ जाता है और वो ये सब करता है।
सैरा जैसे ही कपबोर्ड खोलती है उसमें होता है इनका प्यारा डॉग जिसको दो हिस्सों में काटा हुआ था। अब जॉन को पता चलते ही वो दोनों माइल्स को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सैरा माइल्स को लेकर सीधा आर्थर के पास जाती है। वो माइल्स से प्राइवेटली मिलता है जहां वो माइल्स को हिप्नोटाइज करता है ताकि ये जाना जा सके कि आखिर ये री इनकारनेशन किस पर्सन का है। अब माइल्स को पिछला जन्म याद आने लगता है और वो काउच पर कुछ खुरचने लगता है। ये एक कोशिश थी कि दूसरी सोल माइल्स की सोल पर हावी ना हो जाए। लेकिन अब इससे पहले कि पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जा पाती, माइल्स के अंदर जो सोल थी वो आर्थर को डराती है कि उसने उसको मोलेस्ट किया है। वो ऐसा सबको कहेगा और सब माइल्स की बात ही सुनेंगे क्योंकि माइल्स एक छोटा बच्चा था। माइल्स के अंदर की सोल आर्थर को कहती है कि यहाँ से वो चला जाए और यहाँ कभी भी वापस ना आए। और सैरा को ये कहना होगा कि आर्थर से री इनकारनेशन के बारे में कुछ गलत फहमी हो गई है। अब आर्थर डर जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन आर्थर ने माइल्स के द्वारा स्क्रैच किया हुआ नाम नोटिस कर लिया था। अब उसी रात लेट नाइट कॉल करता है आर्थर सैरा को कि ये सोल एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की है जिसका नाम है एडवर्ड। इस इंसान ने 9 लड़कियों को मारा था अपने लाइफ स्पैन में और इसका सिग्नेचर मूव था एक हाथ को काटना, जैसा मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। और ये इसलिए वापस आया है क्योंकि उस रात उसने अपना पूरा काम नहीं किया था। हेटरोक्रोमिया का होना और ये माइल्स के पैदा होने से बस 15 मिनट पहले ही मारा गया था। सैरा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब सैरा को माइल्स के रूम से मार्गरेट की बुक्स, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसने रखी हुई है। सैरा समझ जाती है कि मार्गरेट को मारने के लिए ही एडवर्ड ने री इनकारनेशन किया है माइल्स के अंदर। अब यहाँ पर जॉन और सैरा प्लान करते हैं कि माइल्स को स्कूल से डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और बस जॉन पहुंच जाता है सीधा माइल्स को स्कूल से लाने। अब कार में आते वक्त जॉन माइल्स को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन माइल्स गुस्से में आके जॉन को सीजर से स्टैब कर देता है। कार सीधा जाके एक पेड़ से टकरा जाती है जिसमें जॉन कोमा में चला जाता है और उसके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। अब सैरा फाइनली डिसाइड करती है कि मार्गरेट के पास जाके ही ये सब ठीक होगा। वो इस उम्मीद में थी कि शायद माइल्स के अंदर छुपा हुआ पैरासाइट यानी कि एडवर्ड अपना अधूरा काम करके माइल्स का शरीर छोड़ देगा। वो माइल्स को अपने साथ ले जाती है, लेकिन माइल्स को एक स्लीपिंग पिल दे दिया जाता है ताकि वो ये ना देख पाए कि सैरा एक गन खरीद रही है। अब सैरा पहुंच जाती है सीधा मार्गरेट के घर ये कहते हुए कि वो उसकी किताब से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर आई है और वो भी इसी ही किसी हादसे का विक्टिम है। इसी बीच वो काफी टेंशन में होती है क्योंकि वो किसी इनोसेंट को मारना नहीं चाहती थी। अब वो वॉशरूम यूज करने के बहाने से सैरा वहाँ पर गन निकालती है और साथ में वोमिट करने लगती है एंग्जाइटी की वजह से। बाहर आके सैरा मार्गरेट की तरफ बंदूक तान देती है कांपते हुए, लेकिन वो गोली नहीं चला पाती और बस एकदम से वहां पर माइल्स आ जाता है अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर। अब माइल्स वही सेम लाइन मार्गरेट से कहता है जो उसने एडवर्ड के रूप में कई सालों पहले मार्गरेट से कही थी। माइल्स के अंदर का शैतान एडवर्ड सीधा मार्गरेट को चाकू मार देता है और फाइनली उसका पेट स्लाइस कर देता है ये कहते हुए कि उस दिन तुमको भागना नहीं चाहिए था। सैरा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था और बस मार्गरेट वहीं मर जाती है। अब माइल्स जंगल तरफ भाग जाता है और सैरा माइल्स के अंदर के एडवर्ड से कहती है कि अब उसको जो करना था उसने पूरा कर लिया है, एडवर्ड को माइल्स का शरीर छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ एक राज खुलता है कि माइल्स की सोल बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। याद है वो सीन जहाँ पर माइल्स ने सैरा से कहा था कि क्या आप मुझे हमेशा प्यार करोगे चाहे मैं कुछ भी करूं, और सैरा ने अनकॉन्शियसली हाँ कह दिया था। तो उसी वक्त बच्चे के ऊपर एडवर्ड भारी पड़ गया था और वही वो वक्त था जब माइल्स खत्म हो चुका था। अब सैरा गुस्से में आ जाती है और उस पर बंदूक तान देती है ये कहते हुए कि जब उसका बच्चा ही नहीं रहा तो उसका शरीर वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने नहीं देगी। एकदम से गनशॉट की आवाज आती है और बस सैरा को गोली लगी है ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि वहां के पड़ोसी ने ये देख लिया था और बिना कुछ समझे ही उस बच्चे की जान बचाने के लिए सैरा को उसने गोली मार दी। अब सैरा धीरे धीरे मर जाती है और माइल्स के अंदर का शैतान बच जाता है। अब माइल्स को एक फॉस्टर फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। माइल्स को एक लेडी बुलाती है और वो बस उसके हाथ पर ही फोकस करता है क्योंकि ये उस सीरियल किलर का सिग्नेचर मूव था। अब माइल्स अंदर जाता है और जैसे ही शीशे में वो देखता है तो शीशे में उसको नजर आता है एडवर्ड, और बूम मूवी खत्म। तो दोस्तों ये थी द प्रोडिजी मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ये टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है लेकिन कंसेप्ट अच्छा है।
मूवी को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन मूवी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक क्रिमिनल का रीइनकार्नेशन होता है माइल्स की बॉडी में और इवेंचुअली वो माइल्स की सोल को टेक ओवर कर देता है और अब वो इस शरीर का पूरा फायदा उठाएगा। और कंसेप्ट अच्छा इसलिए है क्योंकि रीइनकार्नेशन के काफी केसेस देखे गए हैं और ये चीज रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। अच्छा लगता है जब रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होकर मूवी बनती है और वो भी ऐसी चीज जो कि थोड़ी बिलीवेबल है। साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मा एक एनर्जी है और एनर्जी बस ट्रांसफर होती है और ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता। ये मूवी सभी को पसंद नहीं आएगी, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लगी तभी आप इस मूवी को जाकर देखना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन से ही खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रीइनकार्नेशन के बारे में एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। डेबे सीरीज की वीडियोस भी जल्दी आएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।